हरे कृष्णा, मैं पवन सुंदरेरा तदेवीदासी गोविंदास क्यूजिन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। राधाअष्टमी का त्यौहार बहुत ही जल्द आ रहा है और हम सब बहुत ही एक्साइटेड हैं अलग अलग भोग अर्पण करने के लिए। तो आज हम यहाँ पर मौजूद है बहुत ही फेमस कॉम्बो डेजर्ट और जिसका नाम है मालपुआ विथ रबड़ी। राधाअष्टमी के दिन ब्रजधाम या बरसाना में बहुत ही युगों से मालपुआ का भोग अर्पण किया जाता है और हम सब जानते हैं कि यह जो डेजर्ट है मालपुआ विथ रबड़ी, बहुत सारे त्योहारों में भी हम इसे बनाते रहते हैं। मालपुआ की जो किनारी रहती है वो बहुत ही क्रिस्पी रहती है, अंदर से सॉफ्ट और उसके साथ गाढ़ी रबड़ी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रबड़ी बनाएंगे। इसके लिए हम बर्तन में 1 लीटर दूध लेंगे। और दूध में एक उबाल आने देना है पहले और इसे चलाते रहेंगे ताकि वह नीचे से चिपक ना जाए। रबड़ी को बनाने में बहुत टाइम लगता है तो इसे हम पहले ही चालू करके रख देंगे। तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। उसके लिए 1 कप चीनी लेंगे। इसमें हम 3/4 कप जितना पानी मिलाएंगे, मिक्स कर लेंगे और चीनी को पानी में पूरी तरह से गल जाने देंगे। चीनी जो है वह घुल गई है, उसमें 2 इलायची डालेंगे, 5 से 6 केसर के रेसे लिए हैं। मिक्स करके लो फ्लेम पर इसे हमें 7 से 8 मिनट के लिए बॉईल करना है। आप देख सकते हैं केसर से बहुत ही बढ़िया कलर आया है और 7 से 8 मिनट हो चुकी है। हम चाशनी को चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि आधे तार की चाशनी बन रही है, हमें 1 तार की नहीं बनानी है या फिर थोड़ा सा चिपचिपापन आ जाना चाहिए। चाशनी बिल्कुल तैयार है, स्टोव को बंद कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे। 15 से 20 मिनट हो गई है और दूध जो है वह उबल रहा है। अभी साइड में जो भी मलाई बन रही है उसे भी हमें निकाल कर दूध में मिक्स करते जाना है। उसकी वजह से दूध जो है वह गाढ़ा होता जाएगा और भूलना नहीं है कि बीच बीच में हमें दूध को चलाते रहना है। तब तक हम मालपुआ का बैटर रेडी करेंगे। उसके लिए यहाँ पर हमने टोटल 200 ग्राम खोआ लिया है, उसमें से हम 150 ग्राम जो ग्रेट कर लिया है वही खोआ यूज़ करेंगे और बाकी का जो खोआ है वह हम रबड़ी के लिए यूज़ करेंगे। बैटर बनाने के लिए 1.5 कप हल्का सा गर्म दूध लिया है, ठंडा दूध बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। मिक्सी जार ले लेंगे और हमने जो खोया ग्रेट किया था वह 150 ग्राम है और कप में देखा जाए तो 1 कप है। इसे मिक्सी जार में ले लेंगे। अब 1.5 कप जो हमने दूध लिया था उसमें से थोड़ा दूध हम इसमें मिलाएंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। एक स्मूथ सा टेक्सचर आना चाहिए। तैयार है। आप देख सकते हैं खोआ और दूध अच्छे से स्मूथ हो गया है। अब यहाँ पर हमने 1 कप मैदा लिया है, उसमें से आधा मैदा अभी हम इसमें डाल देंगे और आधा बाद में यूज़ करेंगे। एक साथ ग्राइंड करने से कभी कभी लम्स हो जाते हैं, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा यूज़ करेंगे। थोड़ा सा दूध डालेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा स्मूथ बैटर बन रहा है। अब बाकी का जो मैदा था वह हम इसमें मिला लेंगे और जो दूध भी थोड़ा बच गया था 1.5 कप में से वह भी इसमें मिला लेंगे। अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे।
बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है, मिक्सिंग बाउल में निकाल देंगे। मिक्स कर लेंगे, आप इसका टेक्सचर और कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब इसे ढककर 15 मिनट के लिए रख देंगे। करीबन आधा घंटा हो चुका है और दूध जो है वह आधे से थोड़ा ज़्यादा है। अब इसमें हम 50 ग्राम जो खोया बचाया था वह मिलाएंगे, मिक्स कर लेंगे। खोआ की मदद से रबड़ी जो है वह जल्दी से गाढ़ी बन जाएगी। लो फ्लेम पर या थिक हो जाए या गाढ़ी हो जाए तब तक हमें इसे चलाते रहें। यहाँ पर टोटल 50 से 55 मिनट हो गई है और रबड़ी जो है वह काफ़ी गाढ़ी बन गई है। अब इसमें 1/4 कप जितनी चीनी मिलाएंगे और आधा चम्मच इलायची का पाउडर, मिक्स कर लेंगे और यह ठंडी होने के बाद और भी गाढ़ी बन जाएगी। तो हमारी रबड़ी जो है वह बिल्कुल तैयार है। स्टोव को बंद कर देंगे। यहाँ पर 15 मिनट हो गई है और एक बार फिर से हम बैटर को अच्छे से बीट कर लेंगे। 2 चम्मच केसर वाला दूध मिलाएंगे। 5 से 6 केसर के रेशे को 2 बड़े चम्मच गरम दूध में 1 घंटे के लिए सोख करके रख दिया था, उसे हमने इसमें मिक्स किया है। यहाँ पर मैंने 4 बड़े चम्मच घी गरम कर लिया है। ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए घी, और ज़्यादा घी में भी हम इसे फ्राई नहीं करना है। अब इसे हमें लो फ्लेम पर फ्राई करना है जब तक कि इसकी किनारी गोल्डन कलर की ना हो जाए। कम घी में फ्राई करने से उसकी जो साइड की किनार है, कॉर्नर है पूरे, वो बहुत क्रिस्पी बनेंगे। आप देख सकते हैं उसकी जो साइड्स है वो पूरी गोल्डन कलर की हो गई है। अब हम इसे पलट लेंगे। कितना सुनहरा सुंदर कलर आया है। दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से फ्राई करना है। दोनों ही साइड बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसे हम प्लेट में निकाल देंगे। दूसरी लैडल भर के हम बैटर डालेंगे। लो फ्लेम ही रखना है। हमने पहले भी राधा अष्टमी स्पेशल बहुत सारी रेसिपीज शेयर की हैं और वह प्लेलिस्ट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। मालपुआ फ्राई होकर बिल्कुल तैयार है, इसे प्लेट में ले लेंगे और इसी तरह से सारे मालपुआ बना लेने हैं। मालपुआ फ्राई होकर बिल्कुल तैयार है, इस मेजरमेंट से हम 15 मालपुआ आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर चाशनी हमने बनाई थी उसमें ही मालपुआ को डिप कर लेंगे और 10 मिनट के लिए हम इसे चाशनी में डुबा कर रखेंगे। अब आप रबड़ी की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, पहले से काफ़ी ठंडी भी हो चुकी है और गाढ़ी भी। 10 मिनट हो गई है, मालपुआ को बाहर ले लेंगे। इसी तरह से दूसरे भी कर लेंगे। मालपुआ सभी रेडी है। आप इसी तरह से ओनली मालपुआ भी भगवान जी को अर्पण कर सकते हैं। थोड़े से बादाम पिस्ता से गार्निश कर लेंगे। गुलाब की पंखुड़ी ली है थोड़ी सी। दूसरे मालपुआ को रबड़ी के साथ सर्व करेंगे। ऊपर से थोड़ी सी रबड़ी लगाएंगे। बादाम पिस्ता और रोज पेटल से गार्निश करेंगे। सर्व करने के टाइम पर रबड़ी रखनी है।
हमारे मालपुआज विथ रबड़ी बिल्कुल तैयार है। तुलसी पत्र रखकर भगवान श्री श्री राधा माधव को भोग अर्पण करेंगे। ठाकुर जी को भोग लगा दिया गया है, चाहे तो आप भी राधा अष्टमी के दिन इसे बनाकर भगवान जी को भोग अर्पण कर सकते हैं। अगर आपको कुकर रेसिपीज अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि कुकर रेसिपीज आपको मिलती रहे। हमेशा जपिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।